अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और मैं तो जा रही हूँ आज फ्रेंड के निकाह पे। बड़ी ज़ोर शोर से मैंने तैयारियाँ की हुई थी, सुबह से ही संडे का दिन था, मैं जल्दी उठ गई थी। और अब मैं ज्वेलरी निकाल रही हूँ, सिल्वर कलर की ये मैंने ज्वेलरी पहननी है। ये लास्ट पे मेरा काम था ज्वेलरी का, मैं रेडी हो ही चुकी हूँ। अब हम निकलने लगे हैं, मैं और मामा हम दोनों जा रहे हैं। ये अब हम रिक्शे पर बैठ चुके हैं। बहुत ही गर्मी थी उस दिन, तो बस बस हो गई थी हमारी। फैंसी कपड़े और फंक्शन अटेंड करना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। पहुंच गए हम अब हॉल में। ये हमारे सिटी का जो है फेमस हॉल है, मार्की, रॉयल गोल्ड मार्की। ये देखिए, अब मैं आपको सारी लुक दिखाऊंगी इसकी। मैं तो वीडियो बनाने के बाद थक चुकी थी, मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। और ये मैं फिर मैं देखने आई हूँ, सारा रेडी किया हुआ था, फूल वगैरह प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं, बारात के आने का वेट हो रहा है। और मैं सब ने अपनी अपनी प्लेट्स पकड़ ली, मैंने भी अपनी प्लेट पकड़ ली है और मैं वेट करती रही। ये देखें, सारी जो थी लड़कियाँ वगैरह उनको प्लेट्स पकड़ाई हुई है। कितनी प्यारी लग रही हैं फूल, बच्चों ने भी पकड़े हुए हैं, बच्चों को भी इतना शौक होता है। ये देखें, हम सारे वेट कर रहे हैं बारात के आने का। बारात हर दफ़ा ही ना कहीं से लेट हो ही जाती है। और ये देखें जी, आ चुका है जी दूल्हे साहब। अब होने जा रही जी ब्राइड की एंट्री। और देख, अब शुरू जो होने जा रहा है निकाह का टाइम, जो बहुत ही नाजुक मरला होता है। लड़की की जो है ना न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खुश रखे, इनमें इत्तेफाक पैदा करे, आमीन। मैं तो यकीन ही नहीं आता कि कब बच्चा जो है बड़ा हो जाता है और वो शादी की एज शुरू हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, न्यू लाइफ उसकी शुरू हो जाती है, न्यू ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। बस अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। और ये जी निकाह का हमें मिल गया गिफ्ट, जो हमें पैकेट्स मिलते हैं, बहुत ही मज़े के थे इसमें भी चीज़ें खाने की। और ये इनका फ़ोटोशूट शुरू हो गया, बड़ा प्यारा फ़ोटोशूट था, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों माशाल्लाह से। और हमारी रोटी खुल गई। अब रिफ़्रेशमेंट का टाइम आ गया है। मैं और मामा हम दोनों बस थोड़ा सा ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाया जाता। मैं ज़्यादा ना मीठी चीज़ ही खाती हूँ, या आइसक्रीम होगी, ये जो रशियन सैलड था ये मैंने ज़्यादा खाया। और बस हम दोनों ने जितना भी हमसे खाया गया हमने खाया, बहुत ही मज़े का खाना था। ये अब लास्ट पे आइसक्रीम हमने खाई। खाना शाना खा के अब बाती बारी मीठे की। मीठे में लास्ट पे इन्होंने सेलिब्रेट किया है, केक सेरेमनी हुई बाद में, बहुत ही मज़ा आया फंक्शन का। तो भाई हम फंक्शन से फ्री हो चुके हैं, अब हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ। गाड़ी में हम बैठ रहे हैं, मैं और मामा, और फिर पहुंचेंगे घर। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।